हम मंगेरे शहर जा रहे हैं, मंगेरे किले पे, वहाँ पे एक कब्र है नवाब सर बुलंद खान शहीद की। वहाँ जाते हैं, किसी से पूछते हैं जो वहाँ पर उनकी तारीख क्या है। हम किला मंगेरा पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। ये किला मंगेरा है और ये पीछे एक कब्र है, पीछे पूछते हैं नवाब सर बुलंद खान की है। तो ये बाबा जी हैं, इनसे पीछे पूछते हैं क्या मतलब इनकी तारीख है। बुजुर्गो क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? अच्छा, ये जो कब्र है ये काफी पुरानी है। हाँ जी, हम अक्सर इधर से गुजरते हैं ना, तो ये देख के ऊपर होगी जी, 200 साल से ऊपर। अच्छा, तो ये किस की है अगर आपको? नवाब मोहम्मद सर बुलंद खान है जी। नवाब मोहम्मद सर बुलंद खान। अच्छा, ये पहले अपना जो मुल्तान का आखिरी नवाब था ना, नवाब मुजफ्फर खान शहीद। जी जी, नवाब मुजफ्फर खान जी, उनकी फौज के सिपा सलार थे। सही है। इन्होंने फिर लैया का इलाका फतह किया। सही है। वो उन्होंने उस उनको जो है ना फिर ये मनकेरा की हुकूमत दी। सही सही। तो फिर इसकी इधर कब्र बना दी। हाँ जी, इधर ये यहाँ बाकायदा कचहरी लगाते थे। अच्छा। जब ये आखिरी हमला हुआ ना, सिखों ने हमला किया जब, सही है सही, महाराजा रंजीत सिंह ने, तो उस वक़्त ये 5 साल पहले विशाल पा चुके थे। सही है। उनके भांजे थे हाफिज अहमद खान। अच्छा, वो हुक्मरान थे इस वक्त। सही। उस वक्त फिर उन्होंने वसीयत की थी मुझे यहीं दफन करना, जहाँ मुझसे सवाली आके इंसाफ तलब करता है। सही है सही। हाँ, तो ये इधर हम लैया से आए हैं, इधर से हम देख रहे हैं ये पुराने कोट हमें नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग ये बताते हैं कि यहाँ पे ना ये जो हिंदू लोग रहते थे। ना ना ना, छोटा किला है ना। जी जी, हम बादशाह की रियाज। सही है। ये वाला छोटा किला, ये छोटा किला, ये गुलाई में है। अच्छा, गुलाई में है, बादशाह ही रहते थे। ये बड़ा जो किला है ना, ये नवाब साहब ने बनवाया था। ये 18 साल फौज लगी रही है इनकी, 18 साल में जाके तामीर हुआ। ये सारा किला ही है? हाँ जी, ये किला है सारा। ये इसके अंदर और बाहर पुख्ता ईंटें लगी थी। पुख्ता। फिर जब अंग्रेज आए ना, उन्होंने वो ईंटें उखाड़ के ये बखर जंग रोड में इस्तेमाल किए। सही है। हाँ। सही, यानी कि ये काफी पुरानी तहजीब। पुरानी तहजीब, 200 साल पहले सही इनकी हुकूमत थी इधर। जी जी बिल्कुल। मनकेरा किला, मंगेरा अकेला मंगेरा। अच्छा, इनकी किताब भी एक शाये हुई है। सही है। अच्छा, सही। तारीख रियासत मंगेरा, तारीख 14 किले इनके मातहत थे। 14 किले मातहत। हाँ जी। अच्छा, जिसमें हैदराबाद का किला अम्बानी और ये अपना ये गौर वाले का किला था, वो मिसमार हो चुका है। इसके अलावा मानी किला था, इधर शेरकोट किला था, फिर इधर नवा कोट किला था, वो भी इनके मौत है। हाँ, सही। 14 किले इनके मौत है। नवाब मोहम्मद सर बुलंद खान, ये जो मुजफ्फर शाह है ना मुल्तान के आखिरी बादशाह, उनके सिपा सलार थे। जब ये फसाल फरमा गए थे ना यहाँ से, मतलब फौत हुए थे, तो उन्होंने कहा था मुझे यहाँ दफनाना, 18 साल इन्होंने यहाँ पर आखिरी ज़िंदगी गुजारी थी। ये किला मंगेरा है और यहाँ पर आपको ये एंट्रेंस गेट है, जहाँ से अंदर चलते हैं आपको अंदर के व्यूज़ दिखाते हैं। जो किला है वैसे 4 दीवारी गवर्नमेंट ने दे दी, शायद पार्क बना रही है गवर्नमेंट्स को किले को।
एक किला दराबड़ के अंदर के सीन है उतों को मैं बाहर लिखा है उन्हें दरबार उन्होंने मतलब कबर है पी तो यहाँ का कि किला है पिया एक किसी जमाने बहुत बड़ा किला होंदा सी किला मंगेरा है किला मंगेरे के नाम तो मशहूर है। अजकल तो सारी हालत ही खराब हो गई है। बहुत ही प्यारा सीन है माशाल्लाह। ये देखें सूरज देखें यार ये कितने साल पुरानी हो सी कम से कम 200 साल। हाँ 200 साल तो दसेंदे पैन बुजुर्ग यार बड़ी पक्की दीवार है उसने तो संभाला को नहीं चीज को। ये तो बादशाह टप दे नहीं तो बादशाह ना टप दे इथा ये बाद बनाया गया ना ये जानवर वगैरह टप दे रहे थे। बस ये दीवारा रह गई सिर्फ है ना बाकी तो खुला मैदान ही है। ये दीवारा रह गई सिर्फ मुझे लगता है अब इसको पार्क बना रहे हैं ना ये चार दीवारें दे दिए ना इन्होंने। हूँ दीवारा खत्म थी गई ना यार सूरज सूरज देखे नहीं आ रहा